भंडारा गोंदिया क्षेत्रातील सर्व बंधू भगिनीला माझा नमस्कार। आपण सर्व कसे आहात? आज पुन्हा एकदा आपले आशीर्वाद घेण्यासाठी मी या गोंदिया शहरात आलोय। मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज सुबह से मैं निकला हूं हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और वहां से फिर महाराष्ट्र में आपके बीच। लेकिन आज मैं कह सकता हूं जिन जिन राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला है, चुनाव प्रचार मैंने 2013-14 में भी किया था, चुनाव प्रचार मैंने अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी किया था, लेकिन ऐसी लहर पहले कभी देखी नहीं है। ये ऐसा चुनाव है जो देश की जनता लड़ रही है। ये ऐसा चुनाव है जो देश के दुश्मनों के लिए नरमी बताने वालों को जनता ने सबक सिखाने की ठान ली है। ऐसा लग रहा है जैसे एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अगर अभी देवेंद्र जी ने आप सबसे मोबाइल की लाइट ऑन न करवाई होती तो मैं भी यहां बैठे बैठे अंदाज नहीं कर सकता था कि कितने दूर दूर तक लोग हैं। जब लाइट हुई तो पता चला कहीं नजर ही नहीं पहुंच रही थी। महाराष्ट्र के मन में क्या है, देश के मन में क्या है, वो सब बातें ये आपके जोश में दिख रही है। इस बार महायुति महाराष्ट्र से महामिलावट को पूरी तरह साफ करने जा रही है। आपने जो लहर पैदा की है, विकास विरोधी, प्रगति विरोधी, परिवारवादी, वंशवादियों को उखाड़ फेंकने का जो फैसला किया है, इसके लिए दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मां मांडो देवी मां मांडो देवी का जिस धरती पर आशीर्वाद हो और नागरा के भोले शिव जहां की रक्षा करते हो, ऐसी वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, पिछली बार जब मैं गोंदिया आया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके आशीर्वाद और आपके प्यार को मैं सूद समेत ब्याज समेत वापस करूंगा। याद है ना, ऐसा मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। आज मैं आपके बीच आया हूं
हिसाब देने के लिए। लेकिन हिसाब देने से पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता और गोंदिया की इस धरती से महाराष्ट्र के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता और यहां से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी भंडारा गोंदिया और महाराष्ट्र की जनता के साथ और सहयोग से 5 वर्ष तक बिना रुके बिना थके मैं निरंतर काम कर पाया। अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए, देश को बदलने के लिए भरसक कोशिश की, गरीब के घर में टॉयलेट बनाने से लेकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने तक, जल हो थल हो नभ हो अंतरिक्ष हो, 5 साल लगातार लगा रहा, ये संभव हुआ है आपके आशीर्वाद के कारण, आपके समर्थन के कारण। अगर आप देशवासियों ने 2014 में मेरा साथ न दिया होता, मुझे आशीर्वाद दिए न होते, तो क्या ये हो सकता था? और इसलिए आज 5 साल के बाद जब देश की जनता के पास गया निकला हूं, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करूं, आपका प्रणाम करूं और आगे के 5 साल के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करने आया। साथियों, आपके विश्वास का ही परिणाम है कि 72 सालों के गड्ढों को हम भर पाए। जब मैं आया था तो मैंने सरकार में, व्यवस्था में, तिजोरी में ऐसे ऐसे गड्ढे देखे, ऐसे ऐसे गड्ढे देखे, 5 साल उन गड्ढों को भरने में चले गए। अब आपके सहयोग से ही विकास का नया हाईवे बनेगा, आपके भरोसे से ही भारत का दुनिया में एक नई पहचान बनी। अब महाशक्तियों के साथ कदम ताल का काम भी आपके साथ से ही होने वाला है। आप बताइए, आपके इस चौकीदार के प्रयासों से आप मेरे गोंदिया भंडारा के भाई बहन, इस चौकीदार के प्रयासों से आप संतुष्ट है? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ, पता चले। चौकीदार की निष्ठा और नियत पर आपको विश्वास है? देश सही दिशा में जा रहा है, आपको भरोसा है? आपका ये विश्वास यही मेरी पूंजी है। ये आपका यही विश्वास देश में बड़े और कड़े फैसले करा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना? आतंकियों को कैसे घर में घुसकर मारा, याद है ना? आजकल दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए लोग नई नई कथाएं बाजार में छोड़ते रहते, जिनको मोदी शब्द सुनते ही नींद खराब हो जाती है। ये लोग चला रहे हैं, ये जो बालाकोट की घटना है ना, अब महीना हो गया,
लोग भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भूल रहे हैं क्या? याद है क्या देश को? अरे ये देश 1962 की लड़ाई भी नहीं भूला है तो बालाकोट कैसे भूल सकता है। साथियों, जब बात देश की होती है तो हमारे लिए देश प्रथम, पार्टी उसके बाद में। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारा देश दशकों तक एक ऐसी उल्टी दिशा में ही चला है। आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें बचाने का काम किया गया है। अब देश में अपनी दिशा भी बदली है और आगे बढ़ने की गति भी बदली है। लेकिन महाराष्ट्र के साथियों, गोंदिया के भाइयों बहनों, कांग्रेस द्वारा देश को एक बार फिर अस्थिर करने की साजिश आप देख रहे हैं। इनका एक आदत है, या तो पूरा कब्जा करो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करो। और आज वो देश में कंफ्यूजन पैदा करने में लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मोदी है तो लोगों की भलाई हो रही है और उनकी मलाई छू हो रही है। अब मुझे बताइए, मुझे भलाई वालों के लिए काम करना चाहिए कि मलाई वालों के लिए? कल इन लोगों ने जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का दस्तावेज है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। साथियों, इस क्षेत्र में नक्सली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए हैं। महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने वाले इन माओवादियों के दिन अब गिन चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको सावधान रहना होगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, अगर इन महामिलावट करने वालों को जरा भी मौका मिला तो नक्सल माओवादी आंदोलन को और गति मिलने वाली है। साथियों, जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अर्बन नक्सलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है, तब कांग्रेस और एनसीपी के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आपने भली भांति देखा। अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये बात मंजूर है? ये कांग्रेस सही कर रही है? ये एनसीपी सही कर रही है? मुझे बताइए, देश का हाल क्या होगा? क्या आपके रहते हुए देश का ऐसा हाल होने देंगे? ये देशद्रोहियों को मुक्ति दिलाने वालों को आप मौका देंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस ने देशद्रोह से जुड़े कानून को ही हटाने का फैसला किया है। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए?
ऐसे नहीं। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? मेरी माताएं बहनें बहुत सठ बड़ी संख्या में यहां बैठी है, बताइए देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? हजारों जवानों के बलिदान का अपमान करने वाली कांग्रेस और उसके साथी एनसीपी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो देश के रक्षा मंत्री रहे श्रीमान शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के ढकोसला पत्र से सहमत है क्या? अरे आप तो रक्षा मंत्री रहे हैं, अरे आपका जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हुआ है, क्या मुंह पे ताले लगा के बैठ गए हो? इतनी क्या कारण है कांग्रेस के इन पापों को ढो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या वो देश की सेना को, देश के सुरक्षा बलों को कमजोर करने के कांग्रेस के फैसले से सहमत है? और शरद राव ने जवाब देना पड़ेगा। साथियों, अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोने की बौखलाहट में ये महामिलावटी लोग आए दिन सुबह शाम ये चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं। उनको मेरे काम से ज्यादा मेरे नाम से समस्या है। पहले चाय वाले इतिहास से उनको दिक्कत थी और अब चौकीदार से हो गई है। मैंने क्या किया, इससे ज्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहां पैदा हुआ, किस परिवार और किस समाज से उठकर मैं ऊपर आया। यही गणित, यही एहसास दिलाने का प्रयास कदम कदम पर ये कर रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के नामदार जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चौकीदारी करते हैं। क्या ये शब्द शोभा देते हैं क्या? कांग्रेस के एक राग दरबारी मुझे शौचालय का चौकीदार बोल रहे हैं। शरद पवार जी की पार्टी के नेता चौकीदार को जाहिल बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी महामिलावट के एक साथी कहते हैं कि मोदी को देश चलाना नहीं आता है। भाइयों और बहनों, देश कैसे चलना चाहिए? क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था, जब जवान भी परेशान था, किसान भी परेशान था और नौजवान भी निराशा में डूबा था? यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, किसानों को लाठियां खानी पड़ती। विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज घोषित होते थे, वो बिचौलियों की जेब में चले जाते थे। किसान के पानी के हजारों करोड़ रुपए एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की जेब में चला जाता था। क्या देश ऐसे चलना चाहिए था? झीलों के शहर, इस शहर को जिन्होंने अपने कुशासन से बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? कोसी खुर्द बांध, धापेवाड़ा और झांसी नगर परियोजनाओं के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? हम इन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों की दिक्कत दूर की जा सके, इसका फायदा आपको मिलना शुरू भी हो गया। साथियों, मोदी को देश ने चौकीदारी दी तो उसके पीछे की भावना स्पष्ट थी। इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चौकीदार ने धान, तूर सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो 5 वर्षों में महाराष्ट्र में
इन्होंने जितनी दाल खरीदी उससे 15 गुना ज्यादा दाल ये चौकीदार की सरकार ने खरीदी है। और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे कि उनके समय कितने कोटि का काम हुआ और इनके समय कितना कोटि का काम हुआ, हिसाब साफ साफ है भाई। इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही हैं, गरीबों को उचित मूल्य पर दाल भी उपलब्ध हो पाई है। साथियों 2022 तक जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, ये मेरा सपना है और आपके आशीर्वाद से पूरा भी होने वाला है। 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे तब दो सपने मुझे पूरे करने हैं। एक, मेरे देश के किसानों की आय दोगुनी हो, और दूसरा, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसको रहने के लिए पक्का घर न हो। आपका वोट हर गरीब को घर देने वाला है, और उस जब जिसको घर मिलेंगे उसके आशीर्वाद आपको मिलने वाले। किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला चौकीदार की सरकार ने किया है। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष करीब 12 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। इसमें गोंदिया सहित पूरे महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ किसान परिवार है। इनमें से 16 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में पहली किस्त आ भी चुकी है और बाकियों के खाते में भी जल्द ही पैसे पहुंच जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार की नीति और नियत दोनों आपके सामने खुली किताब की तरह है। सबका साथ सबका विकास हमारा प्रण है, और सबको सम्मान ये हमारी प्रतिबद्धता है। इसी सोच के साथ हमने 5 साल से काम किया है। यही कारण है कि हमने दलित, आदिवासी, वंचित, पीड़ित, शोषित हर समाज को ऊपर उठाने का एक प्रयास किया है। जिन बाबा साहब आंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, देश भर में उनसे जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ में बदलने का काम इस चौकीदार की सरकार ने किया है। हमारे आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान को संजोने के लिए देश भर में स्मारकों का निर्माण भी हमारी ही सरकार कर रही है। भाई और बहनों, मैंने आपके बीच आकर कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए। अरे जो 70 साल सरकार चला चुके हैं वो नहीं कर पाए तो 5 साल वाला क्या कर सके। लेकिन अनेक क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण काम किए, अनेक क्षेत्रों में काम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे काम निकट भविष्य में पूर्णता पर है। आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो जब पूरा होने की तरफ बढ़ेंगे तो देश समर्थ होगा, देश सक्षम होगा, देश सुरक्षित होगा। भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि 11 अप्रैल को आप इस चौकीदार के प्रयासों पर मुहर लगाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। और भाइयों बहनों, आपका हर कमल, आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। और भाइयों, ये एनसीपी के नेता बड़े बड़े खैर खां, जरा उनको ये भी कभी पूछ लेना, मैं आज बड़ी सारी चीजें बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनको पूछ लीजिए कि आजकल उनको नींद क्यों नहीं आती।
पूछोगे कि आपको नींद क्यों नहीं आती है, नींद का कारण है उनकी नींद आजकल दिल्ली की तिहाड़ जेल में जमा पड़ी है। उनको डर सता रहा है, जो अंदर गया है वो कुछ बोल देगा तो होगा क्या, बड़े परेशान है। और वो दिन दूर नहीं है जब सारी चीजें खुल करके बाहर आएगी। भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ आप जरूर बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार, कहेंगे पूरी ताकत से कहेंगे, हाथ ऊपर उठा करके करेंगे, आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे। मैं भी गांव गांव, गली गली, शहर शहर, डॉक्टर भी, शिक्षक भी, इंजीनियर भी, युवा भी, महिला भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, किसान भी, कलाकार भी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सीमा पार, सीमा की रक्षा करने वाले भाइयों बहनों, इन सभी चौकीदारों का गौरव करते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।